तोता है ना, तोता आया हुआ है, वो देखो पिंजरे पे लटक रहा, मुझे तो लग रहा अपना है। दोस्तों एक तोता आया हुआ है, ब्लू फिशर, मुझे लग रहा हमारा है। और वो पिंजरे नहीं, पिंजरे के अंदर तो अपना है, पिंजरे के अंदर हमारा तोता है, और ये एक ब्लू फिशरी आई हुई है, वो तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं ये जो हमारी उड़ गई थी फीमेल वही आ गई हो वापस। हमें लग रहा है कि हमारी जो फीमेल उड़ी थी ना ये वही आ गई, क्योंकि ये पिंजरे में लटक लटक के देख रही है नीचे ना, मतलब फीमेल लग रही है या मेल है मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। मैं अभी सेटअप पर आया हूँ, ये ऊपर बैठी हुई थी, अब इसको पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि हमारा पूरा सेटअप जो है ना खुला हुआ है चारों तरफ से, और इसको पकड़ने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। अभी कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं और इसको पकड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना ये वाली साइडें खुली हुई हैं, ये कहीं जाए ना जाए यहाँ से ज़रूर जा सकती है, बाकी जगहों से ये फंस जाएगी। तो वो देखें पिंजरे पे, ओए गई, ओए इसके ऊपर आ गई, इसके ऊपर आ गई, यार ये तो बहुत फास्ट है। छूटू हट जा, आ जाओ तुम दाना खा लो यहीं पे, आ जाओ, आ जाओ यार, लग रही यहीं पर आ जाए ना, आ जाओ आ जाओ। देखें दोस्तों बाहर नहीं जाना, बाहर चीले गई क्या, अंदर ही अंदर आ गई, अंदर आ गई, वो पिंजरे में ही आ रही है बार बार। मैं इधर को ही खड़ा हो जाऊं, ये यहीं यहीं को खड़ा हो जाता हूं, मैं इधर को ही खड़ा हो जाता हूं अगर यहाँ आई तो, कोई चीज देखो अगर है तो। हाँ ये सही है, इससे पकड़ लेंगे, अब वो यहीं पे आएगी, यहीं पे आ रहा है, आ रहा है, आ रही है, मुझे वही लग रही है, इसलिए मैं आ रही आ रही कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि यार आप वो गई 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 वहाँ चली गई, ये उड़ी, ये उड़ी, ये उड़ी, ये उड़ी, ये उड़ी, ये वो बहुत दूर गई। हाँ ना, वो इतना तेज गई, वो घर के अंदर चली गई, घर के अंदर चली गई, वो ब्लू शर्ट नजर आ रहा है ना, वो ब्लू शर्ट घर के अंदर गई, वो जो ब्लू शर्ट ना आ रही होगी जा रही होगी। हाँ भाई ये हमारी वाली फीमेल है, मैं पहले समझा कि हमारा जो है ना यहाँ से उड़ गया, ये देखें यहाँ पे मेल है। ओ छोटू नहीं मार यार, सारे कपड़े खराब कर देगा मेरे, ये देखें आप मेल है इसके अंदर और दो बच्चे हैं, और हमारी फीमेल आप लोगों को पता होगा उड़ गई थी, तो वही फीमेल जो है ना वो वापस से हमारे सेटअप पर आई है, और वो बिचारी निकल गई हमारे से, यहाँ से कैसे निकल गई, कहाँ से निकली, यहाँ से ऊपर से गई है, यहाँ से गई है। काश यार हमारा सेटअप पूरा पैक, अब आपका भाई अपना पूरा सेटअप पैक करेगा यार, लेकिन फिर बाहर से कोई परिंदा भी तो नहीं आ सकता ना, अभी तो खुला था इसलिए ये आ गई, वरना पैक होता तो नहीं आ पाती अंदर, अल्लाह करे ये दोबारा वापस आ जाए फिर हम पकड़ लेंगे। इसीलिए आई थी वो देखने के लिए, वो पिंजरे में कैसे उतर रही थी, ऊपर से नीचे नीचे उतर रही थी आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ से लटक के आहिस्ता 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 यहाँ पे जाई जा रही थी नीचे तक, यहाँ तक आई है वो, यहाँ पर पहुंची है, और उसके बाद उसने फ्लाई करा और फिर वहाँ जाके बैठी है, और फिर वहाँ से उड़ के यहाँ पर आई। यार कितना मतलब इतना अच्छा मौका हम गवा बैठे यार, लेकिन इतना छोटा बर्ड है ना, कबूतर होता है ना पकड़ा जाता है, ये बहुत छोटी थी, पहले तो मेरे को छोटा सा हार्ट अटैक लगा था कि यार शायद हमारा जो है ना ये मेल भी निकल गया। मैं फटाफट पिंजरे में झाँक के देख रहा हूँ नीचे से, अच्छा हुआ ये नज़र आ गया, यार कितना अफसोस मुझे हो रहा है कि यहाँ से कैसे निकल गया। आपका भाई जो है ना ऊपर चढ़ा है यार, क्योंकि यार मेरे को इतना मतलब तकलीफ हो रही है, इतना दुख हो रहा है कि यार हमारे हाथों से कैसे निकल गई, पता कहाँ पे गई है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ अभी, ये वो देख रहे हैं आप ब्लू कलर का जो वो आपको नज़र आ रहा है, सेम उसी जगह पे अंदर की साइड जाके वो जो है ना बैठ गई और अंदर ही अब पता नहीं कहाँ गई, और मज़े की बात उसके पीछे चील भी नहीं लगी यार, उसके पीछे चील कैसे नहीं लगी मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और मुझे अपने ऊपर पूरा 80% जो है ना पूरा यकीन है कि ये हमारा ही तोता वापसी आया कहीं से, क्योंकि कोई भी तोता जब भी उड़ के आता है जैसे हमारे सेटअप पे पहले भी आए थे उड़ के, तो इतना फ्री हो के वो कभी नहीं बैठता ना कहीं उड़ता, वो इधर उधर इधर उधर फड़फड़ाता रहता है, कभी कहीं भागना कभी कहीं भागना कभी कहीं भागना, इसको देखा आपने पहले वहाँ जाके ये वहाँ जाके बैठी, फिर वहाँ से ये यहाँ पर आई, इस सीढ़ी के ऊपर बैठी, यहाँ पे इसी जगह पे इसी पोजीशन पे बैठी हुई थी, यहाँ पर मैंने जब यहाँ से वीडियो बनाया ना तो बिल्कुल यहीं इसी जगह बैठी हुई थी, और फिर दोबारा यहाँ से फ्लाई करके वो उधर गई है, और वहाँ जाके बैठने के बाद जब मैं यहाँ पर आ गया ना, मैंने सोचा कि मैं इधर आके खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ से वो कहीं नहीं जा पाएगी, लेकिन जब मैं यहाँ आके खड़ा हुआ ना तो उसका दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने बोला यहाँ नहीं आऊँगी अब, वहाँ से वो उस वाली साइड में निकल गई। मतलब देख रहे हैं यार कितना ज़्यादा उसके पास दिमाग है, और कितना ज़्यादा होशियार, कितना फास्ट उसने जना मतलब फ्लाई करा, आंखों के सामने से यूँ गायब हो गई। ओए यार इतना दुख और इतनी तकलीफ कभी नहीं होती। ओए माशाल्लाह हमारे ये वाले पिजन का प्यार लग रहा है मुझे लग रहा है। ओए पहले अंडा भी आया हुआ यहाँ पे यार, अंडा तो उठा लें पहले। ओए ये चॉकलेट कॉफ़ी का नहीं है, मैं समझे चॉकलेट कॉफ़ी का, ये तो टर्की का अंडा है। अच्छा हुआ इन दोनों ने नुकसान नहीं पहुँचाया। ओए होए होए शुक्र है शुक्र,
फौरन से नजर पड़ गई आपके भाई की, नहीं तो काफी ज्यादा नुकसान करते थे। और दो ही बदमाश अंदर थे जो हमारे रेबिट के बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, अंडों को नुकसान पहुंचाते हैं। खैर बत्तख जो है ना इतनी जल्दी अंडे को जो है ना फाड़ नहीं पाती, बत्तख का साथ देती है मुर्गियां। जो मुर्गियां होती है ना ये जो घूम रही है, ये जब चोंज मार के उस अंडे को थोड़ा सा तोड़ती है ना, फिर बत्तख की चोंज उसमें पूरी गुजर जाती है और फिर वो जो है ना पूरे अंडे को नुकसान पहुंचाती है। तो खैर अभी तेज रहा हमारा टर्की का अंडा, और यहाँ पे पता कौन से पेयर की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी देखा इन दोनों को चोंचे मिलाते हुए, ये वाला जो पेयर घूम रहा ना ये वाइट वाली फीमेल और ये विलन का बेबी जो है ना, ये वाला जो पुराना वाला बेबी बड़ा हो गया, ये और ये जो है ना आपस में चोंचे मिला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है शायद इनका पेयर शेयर लग गया, इसी वजह से जो है ना ये एक दूसरे से चोंचे मिला रहे हैं। लेकिन यार इनके बच्चे इतने मज़ेदार नहीं आ पाएंगे, हम चाह रहे हैं कि हमें वाइट ही मिल जाए। जैसे ये वाइट फीमेल है ना, इनके लिए मैं वाइट मेल लाना चाह रहा हूँ, जैसे वाइट वाइट बच्चे आएँ और वाइट वाइट भी हमारे पास हो जाएँ। और ब्राउन तो हमारे पास पहले ही बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, देखें विलन ने माशाल्लाह इतने सारे बच्चे निकाले हुए हैं, फिर वापस से विलन की फीमेल दोबारा अंडों पे बैठी हुई है अभी। और हमारी ये जो बैठी हुई है मुखी पिजन, इसने पता नहीं अंडा दिया नहीं दिया, मैं नहीं छेड़ूंगा इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। आप लोगों को पता है जब भी हम इसके अंडे छेड़ते हैं ना तो ये अपने अंडों को नुकसान पहुँचाती है, तो छोड़ के उठ जाएगी, अंडों को ऐसी छोड़ देगी या फिर जो है ना अंडों को तोड़ देगी। और ऊपर जो है ना हमारे वैम्पायर पिजन ये भी बैठे हुए हैं, इनके भी मैं आपको अंडे नहीं दिखा रहा यार भाई, सॉरी है यार। हेलो भाई, तुम लोगों की माँ तुमसे मिलने आई थी, पता है? पता नहीं यार सच में तुम्हारी माँ थी नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना यार मेरा दिल कह रहा कि वो तुम्हारी माँ थी, क्योंकि इस तरह कोई भी पैरेट नहीं आता इतना करीब जो है ना, वो इनकी आवाज़ें सुन सुनकर कहाँ तक वो आई थी, यहाँ तक आई है, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उतर 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 यहाँ तक पहुँची और फिर फ्लाई करके जो है ना उस साइड में गई थी। लेकिन यार कोई नहीं, हमने पूरी कोशिश करी है तुम्हारी माँ को पकड़ने की, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गई थी और कितने दिनों बाद आई, सिर्फ तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए, समझ नहीं आ रहा मेरे को यार। काश उसको हम पकड़ लेते ना तो तुम्हारे साथ छोड़ देते हैं, इतना करीब जो आता है ना यार वो अपना ही होता। हाँ हाँ सब्र, एक मिनट रुक जाओ बस, मैं जो है ना तोते के पकड़ पीछे लग गया था ना, अभी तुम्हारी फीट लाता हूँ, ठीक है ना, इंतज़ार में बैठा हुआ बेचारा का बेचारा। अरे भाई तुम वापसी जाओ, वापसी जाओ, वापसी वापसी, यहाँ पे सीन हो गया यार ऐसा भी है भी, हमने इतना मिस करा तुम्हारे को, एक मिनट पहले मैं केज बंद करूँ। भाई तुम कहाँ थे यार, बंदा नमाज पढ़ के जुम्मे की नमाज़ पढ़ के मेरे साथ ही आया था, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के उसके बाद ऐसा गायब हुआ है ना, मैं यहाँ पर आ गया और ये पता नहीं कहाँ गायब हुआ। पता अभी क्या हुआ, अभी तोता आया था यहाँ पे, ब्लू फिशरी, हमारा जैसा ब्लू फिशर है ना उसी की तरह, वो जो एक मादा उनकी उड़ गई थी बच्चों की, वो वापस आई थी अभी यहाँ पर, वापस आई यहाँ पे। कहाँ से पकड़ लो, इतना अकेला बंदा कहाँ से पकड़ेगा, तुम होते तो मैं तुम्हारे को पकड़वा देता ना, वो कहीं उड़ती में तुम्हारे को पीछे फेंक देता, तुम पकड़ लेते उसको। वो आई यहाँ पे, यहाँ बैठी, यहाँ से यहाँ तक आई नीचे, फिर यहाँ से वहाँ पे गई सीढ़ी पे, फिर दोबारा वापस आई और फिर हमने पकड़ने की कोशिश करी अब्बू और मैंने, फिर यहाँ से निकल गई। अरे हमने कोशिश करी, हमसे नहीं पकड़ी गई, तुम होते तो ये हो जाता कि हमें वहाँ खड़ा हो जाता। अबू यहाँ पे पकड़ने के लिए आ रहे थे, नेट से अबू ने दुपट्टा ले लिया था, अबू दुपट्टा लेकर आ रहे थे, और तुम होते ना तो तुम्हारे को हम उसी साइड में खड़ा करते पक्का, क्योंकि उस साइड में तो उड़ नहीं पाती, वो वहाँ पे नेट लगा हुआ है। तो हमारे पास सिर्फ दो ही जगह खुली हुई थी, एक ये वाली जगह खुली हुई है, एक ये वाली खुली हुई है, तो हम तुम्हारे को यहाँ खड़ा कर देते और मैं वहाँ खड़ा हो जाता, फिर वो कहीं नहीं जा पाती। अब तुम्हारी वैसे उड़ गया समझो तोता, ये इसकी गलती है भाई, ताकि हम अपने छोटों को, हाँ इनको जनता थोड़ी खाएंगी, वो ही लूसन खाएंगी, इनको लूसन डालो, खोल के डालना ठीक है ना, खोल के। अरे क्या है, क्या हो गया, दे रहे हैं यार, एक तो लूसन में देखिए सारे के सारे पागल हो जाते हैं, ऐसा लगता पता नहीं कितने बरसों से इन्होंने खाया हुआ ही नहीं है खाना, ऐसा हो जाता है इनका हाल। ये लो इस पे रखो, इस पे रखो, इस पे चलो। अरे भाई साहब इनका शोर शुरू हो गया, अल्लाह करे अकल नहीं, मैं तो कहता हूँ अभी वापस आ जाए, अभी वापस आ गई ना हम तैयारी पकड़ लेंगे जल्दी जल्दी, कुछ ना कुछ पकड़ के खड़े हो जाएंगे। अब अचानक से एकदम से हुआ था ना तो पता ही नहीं चला कि हम क्या करेंगे यार, अभी क्या लेकर आए, क्या लेकर आए, क्या नहीं लाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बस वो निकल गई आज से। अब क्या कर सकते हैं, अरे इतनी देर में उड़ जाती ना वो, नेट तो हमारे पास भी था कबूतर पकड़ने वाला, लेकिन उसका जो होता है ना ऐसे सुराग जो है ये ना, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं उसके, उसमें से तोता निकल जाता है, उसमें खाली कबूतर फंसता, तो कोई नहीं यार फिर कभी आ गई तो पकड़ लेंगे। वैसे मुश्किल है क्योंकि चीले वगैरह जो है ना ऐसे तोतों को बहुत ज़्यादा पकड़ ली थी बेचारी, पता नहीं कहाँ से बच बुचा के यहाँ पहुँची थी, अब वहाँ गई है, वहाँ भी पता नहीं बैठी या गई आगे निकल गई या चील विल ने पकड़ लिया, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यार इतना बड़ा आसमान है कहाँ भी जा सकती है, हर जगह तो जो है ना उसको खतरा है कि सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो खैर आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह एक नई अलग वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। चलो।